हाय एवरीवन, आज हम जीपीएस सर्वे मशीन के बारे में जानेंगे। दोस्तों, इससे पहले ऑटो लेबल टोटल स्टेशन के बारे में हम जान चुके हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। ओके दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहेंगे। अगर आप लैंड सर्वे का कोर्स करना चाहते हैं, यानी कि ऑटो लेबल टोटल स्टेशन जीपीएस सर्वे मशीन चलाना सीखना चाहते हैं, साइट पे कैसे वर्क होता है ये सारी चीज अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टीट्यूट में आके सीख सकते हैं। ओके दोस्तों, लैंड सर्वे का जो कोर्स है वो 2 मंथ का है। 2 मंथ की ट्रेनिंग के बाद आपको 100% जॉब दिला दी जाएगी। ओके दोस्तों, 2 महीने का कोर्स कंप्लीट होने के बाद 100% आपको जॉब दिलाने की गारंटी है। ओके दोस्तों, अगर आप लैंड सर्वे कोर्स करने में इंटरेस्टेड हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, हम आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। ओके हाय एवरीवन, आज हम जीपीएस सर्वे मशीन के बारे में जानेंगे। दोस्तों, वीडियो में आप देख सकते हैं, ये हमारी जीपीएस सर्वे मशीन है। जीपीएस का फुल फॉर्म ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम होता है। दोस्तों, जीपीएस सर्वे एक ऑटोमेटिक लैंड सर्वे होता है। इसमें हमारी जीपीएस मशीन ऑटोमेटिक एक्चुअल कोऑर्डिनेट और एक्चुअल लेबल को फाइंड करके हमें बता देती है। ओके दोस्तों, जैसे ऑटो लेबल टोटल स्टेशन में हमें टारगेट करके रीडिंग पढ़नी होती है, बट इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये ऑटोमेटिक रीडिंग आपको फाइंड करके बता देगी। दोस्तों, यह मशीन सैटेलाइट से कनेक्ट होती है। दोस्तों, यह मशीन ओपन स्काई के नीचे वर्क करती है। दोस्तों, जीपीएस सर्वे मशीन का वीक पॉइंट यही है कि इसको केवल हम ओपन स्काई के नीचे यूज कर सकते हैं, यानी कि इसको किसी बिल्डिंग के अंदर या फिर अगर सनलाइट कम है तो हम इस मशीन का यूज नहीं कर सकते। अगर यूज करते भी हैं तो एक्चुअल कोऑर्डिनेट, एक्चुअल लेवल एरर बताएगा। ओके थैंक यू एवरीवन। इंजीनियरिंग टिकटॉक चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। ड्राइंग, डिजाइन, एस्टीमेट, कॉस्टिंग, सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ।